ये जो कार है ह्यूंडई की एक्सेंट है, न्यू मॉडल 2016 17 15 जो भी गाड़ी है, 15 16 17 की जो गाड़ी है, 18 की नई वाली जो एक्सेंट है, या i20 वगैरह। तो उसमें कैसा है, हम लोग को पता नहीं चलता कि इसका हॉर्न रिले किधर है, एसी का रिले किधर है, फैन का रिले किधर है। दोनों साइड से कटो ना, पकड़ो मैं निकलता। तो इसमें हम लोग को पता नहीं चलता कि इसका रिले किधर है। तो इसका जो रिले का लोकेशन है एसी का, ठीक है, एसी कंप्रेसर का रिले का लोकेशन इसके फ्यूज बॉक्स के अंदर आता है, पूरा ओपन करना पड़ता है क्योंकि वो इनबिल्ड आता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, उसके अंदर ही फिटिंग रहता है। उसको रिप्लेस करना बोलो तो काफ़ी ताम झाम है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा मगजमारी है। हॉर्न का भी रिले अगर इसका ख़राब हो गया तो इसका इसके अंदर है, स्टार्टर का भी रिले इसके अंदर है, और दूसरा जो है इसका फैन का भी रिले उसके अंदर है, एसी का उसका, ठीक है, सारे इसके अंदर ही इसके रिले। जो इसका मैं समझ लो ये इसका BCM है एक छोटा सा, अंदर का जो फ्यूज बॉक्स है उसके अंदर भी एसी का रिले आता है, और बहुत सारे रिले उसके अंदर ही है, जैसा कि BCM के अंदर, BCM ही समझ लो आप इसको। तो इसका जो रिले है इसके अंदर, इसको हम लोग निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको अभी, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं भाई इसका फ़ैन का रिले नहीं मिल रहा है, कहाँ है इसका लोकेशन, एसी का रिले पता नहीं चल रहा है कि बाहर कहाँ फिटिंग है, एसी का रिले ना अंदर है ना बाहर है, हॉर्न का रिले नहीं मिलता है। जितनी भी एक्सेंट वगैरह की i20 वगैरह की जो गाड़ी आ रही है अभी ह्यूंडई की, तो इसका जो हॉर्न का रिले का लोकेशन है अभी इसके अंदर ही दिखाता हूँ आपको ओपन करके। इसको पूरा कटा, इसको निकालने के लिए फ्यूज बॉक्स पूरा छुट्टा करने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, लेकिन हम लोग ने इसको खोल लिया अभी क्योंकि इसका नीचे का थोड़ा प्लेट वगैरह पहले किसी ने बिठाया, सही से बैठा नहीं था। ऊपर से सिर्फ कटाएंगे चार, उसको बाहर के क्लिप से तो निकल जाती है जो चारों हम लोग दबा रहे, ठीक है, लेकिन अगर फ्यूज बॉक्स खोल लो बैटरी वगैरह तो अच्छी बात है, एकदम मतलब फ्री हो जाता है काम करने, बैटरी बाहर निकाल के निकालेंगे तो और अच्छी बात है। सबसे पहले बड़ा वाला फ्यूज जो हम लोगों ने निकाला, सबसे पहले वो दो बोल्ट खोल के वो निकालना पड़ता है जो मेन फ्यूज है इसका ऑल्टरनेटर का। उसके बाद ये चार इधर से दो दो सामने दो इधर, छह क्लिप्स है, इसको दबा के आराम से निकाल सकते हैं इसको। ये निकल गया, ठीक है, अभी मैंने इसको छुट्टा कर लिया है, और सॉकेट भी इसमें निकल जाता है, ऐसे ज़्यादा सॉकेट जाम जाम नहीं, एक सॉकेट में लॉक है, एक सॉकेट इसका ऐसे निकल जाता है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये इधर इसके रिले के लोकेशन, जैसा कि देख सकते हैं ये वाला जो इसका रिले है ये एसी का है, एसी कंप्रेसर का है, क्लच का, ठीक है, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ भी है। अगर आप बहुत लोग बोलते हैं भाई कैसा पता चला, जैसा कि देख सकते हो ये हॉर्न का है, फैन का है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इस पर देखो हॉर्न का रिले लिखा हुआ है, एसी क्लच का रिले लिखा हुआ है, फैन का रिले लिखा हुआ है, नीचे रिले के ऊपर नहीं जो इसकी प्लेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो इसका बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है पूरे रिले। और इसको और इसकी जब फ्यूज निकालेंगे, पूरा फ्यूज छुट्टा करेंगे, इसके अंदर भी चार रिले फिटिंग है, दो ये साइड दो साइड, हेडलाइट वगैरह की रिले भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है, अंदर भी रिले है, जो अंदर का फ्यूज बॉक्स है वो भी BCM के अंदर, उसके अंदर भी रिले और इसके अंदर भी रिले। तो उस दिन एक भाई ने पूछा था कि भाई इसका मेरे को हॉर्न का रिले नहीं मिल रहा है तो कहाँ है, तो ये इसका लोकेशन है हॉर्न का रिले का। इसके लिए आपको अगर हॉर्न के रिले अगर इसका ख़राब है तो ये सब खोलना पड़ेगा हॉर्न के रिले के लिए, या तो फिर आप बाहर से रिले मार सकते हो, बट इतना जल्दी ये ख़राब नहीं होता। ज़्यादातर इसका रिले वगैरह क्योंकि ये इनबिल्ड है ख़राब होता है, बट इतना जल्दी नहीं होता कि नई गाड़ी तो तुरंत होने लगा ख़राब। तो ये इसका लोकेशन है, हॉर्न का रिले, एसी का रिले, ये पूरा रिले का लोकेशन है। तो इसको फिटिंग कर लेते हैं अभी, ठीक है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, मतलब ये जो हम लोग ने खोला है हॉर्न के रिले के लिए नहीं खोला था हम लोग ने, इसका जो एसी ऑन नहीं हो रहा था, इसका एसी का रिले, ठीक है, एसी का रिले का प्रॉब्लम था। और
सेम यही मॉडल की एक गाड़ी एक दिन आई थी, उसका कल की बात है ना शायद, हाँ, तो उसका एसी का प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम था। बट इसमें बहुत लोगों ने मतलब मैंने का यानी काफ़ी इलेक्ट्रिशियन लोग बोलते हैं कि भाई इसका एसी का रिले बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। एक रिले जो अंदर फ्यूज बॉक्स में आता है कि वो एक जो दूसरा रिले पकड़ो तुम्हें लगाता हूँ, ठीक है, एक रिले इसका जो बाहर आता है वो भी ख़राब होता है जो अभी मैंने दिखाया आपको, और एक रिले इसके अंदर भी आता है जो अंदर का फ्यूज बॉक्स है, जब उसको पूरा बाहर निकालेंगे पीछे से छुट्टा करेंगे उसके अंदर भी एक रिले आता है, उसका भी प्रॉब्लम आता है। उसकी जो सॉकेट है पहले पीछे वाली बिठाने का भाई, ठीक है, बाद में आगे वाली बिठाने का, क्योंकि आगे वाली बिठा लेंगे तो फिर पीछे वाली बैठती नहीं है, पीछे लॉक नहीं है, सिर्फ ऐसा प्रेस करेंगे तो बैठ जाता है। इसके अंदर जैसा ACM वगैरह में सिस्टम लॉक आता है उस टाइप का ये ब्लैक वाला लॉक है इसके अंदर, थोड़ा स्पेस कम है, जगह नहीं है इसके अंदर, थोड़ा मुश्किल से बैठता है ये, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, थोड़ा सा वायर छोटा पड़ता है स्पेस नहीं होने की वजह से, इसकी वजह से थोड़ा हिला डुला के उठाना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल हाथ जाता नहीं वहाँ पे, और ये बैठ के लॉक हो गया अभी, बस अच्छे से चेक करने का, वायर लूज वूज नहीं रहे। तो इसका एसी ऑन नहीं हो रहा था इसके लिए हम लोग नहीं खोला, तो मैं बोला चलो अभी इस पे चेक कर लेते और कौन कौन सा रिले। तो इसके अंदर जो रिले थे वो एसी क्लच के थे, डायरेक्ट कंप्रेसर का वायर इसके अंदर ही आया हुआ है, और उसके बाद हॉर्न का है, हेडलाइट का है, फैन का है, लॉबर नट लॉबर उसके, माइक तुम्हारे पास ये नहीं यार दूसरा, एक फ्यूज आता है यहाँ पे, इसको फ्यूज लगा लेने का, पहले मेन फ्यूज है ये, फिटिंग हो गया ये पूरा, बस इसको 10 के 3-4 नट इसको टाइट कर देने का। अंदर साइड भी एक हेडलाइट के पास बोल्ट आता है इसको, ये अंदर इधर एक आता है, तो ये फिटिंग हो गया। ये इसका लोकेशन है Hyundai Xcent की, ठीक है, हॉर्न रिले, एसी रिले, हेडलाइट इसके अंदर आता है, इनबिल्ड है इसके अंदर जो भी रिले है, बाहर से इसमें रिले नहीं दिया हुआ है, फ्यूज वगैरह इसके अंदर बता रहा है ये सब।